हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है भाई कि संडे को मैं स्पेशली जा रहा हूँ स्टूडियो में, क्योंकि प्री वेडिंग है और ऊपर से आके बिजी है। फिर तो 8-10 दिन तो जा ही नहीं पाएंगे, वेडिंग्स में बिजी 8-10 दिन। तो फिलहाल ये था कि काम करना था, तो प्लानिंग थी मंडे को करेंगे, आज प्री वेडिंग थी संडे को। लेकिन प्री वेडिंग में भी अब कल होगी या फिर नहीं होगी, ये दोनों ऑप्शन हैं। तो फिलहाल मैं काम कर लेते हैं भाई, अगर कल होती है तो हम बैकअप आज का बना लेते हैं काम का, स्टूडियो का, यूट्यूब का, एंड नहीं हुई तो फिर कल छुट्टी, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं भाई स्टूडियो में। और नहीं तो भाई मतलब बताऊंगा मैं वहाँ जाके पूरा ना आपको। 2-4 दिन से ना सुबह तो पूरा फ्रेश फ्रेश मौसम रह रहा है, धूप नहीं निकल रही ना थोड़ी देर तक, और ठंडा ठंडा मौसम रह रहा है। 2-4 दिन से यही चीज़ें हो रही है। और फिलहाल ये लैंडस्लाइड हुई थी गाँव में, साइड में चल रही। आज संडे को मेरे को बड़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है, वैसे थोड़ा सा फर्क तो है, दुकानें तो कोने बंद होती है ना संडे को। फिलहाल नहीं आ रहा वो खड़ी है। आज कल आज संडे को बुलाया लड़की को भाई। तो गाइस हुआ यूं कि आज संडे को मैंने इसको बड़ी मुश्किल से मनाया आने के लिए, तो कल मैं उसको मना कैसे रहा था, रिश्वत में मिला रहा था इसको। मैं कहा तेरे साइड साइड में कॉफ़ी रख दूंगा, तेरे साइड साइड में कुरकुरे चिप्स रख दूंगा, और तेरे को घर पे भी छोड़ाऊंगा, बड़ा कुछ खाई से मैंने। तो फिलहाल भाई सुबह सुबह मेरे को अभी आते ही यहाँ पे शॉप पे ले आई है, तो कह रही कॉफ़ी लूँगी और भी 2-4 चीज़ें लूँगी, कह रही ठगेगी मेरे को भाई, क्या कर सकते, अब काम भी जरूरी है। इसको ये नहीं पता कि काम इसका भी है, बट फिर भी भाई आई लाइक यूर दिस फेस दिस एक्सप्रेशन। चलिए अंदर चलो जी गाइस, सामान भी ले लिया है, 2 कुरकुरे, एक नया ले लिया भाई ये चॉकलेट शेक, और साथ में एक पैटी ली इसने खाने के लिए बस। तो गाइस फिलहाल स्टूडियो पहुंच गया भाई, अपनी लड़की ने कॉफ़ी भी ख़त्म करके रख दी है और सामान भी अपना पैटी भी खा ली, ये भी रख लिया भाई घर पे लेके जाने के बैग में। और भाई मैंने देखा मेरी शर्ट पहन के आई है ये, इसने चोर ली है ना मेरी, ये पहन के आई है, क्या बात है। ये भी लेनी है, ये भी लेनी ले, ओ दे दे ले ले, वो दे ना ढिली हो जाएगी, छोड़ यार क्यों उड़ दो, तेरी है, चल चल मेरी ही है। जैसे गाइस लाइट की मुँह चलना स्टार्ट दोनों का, बात कर रहा आपसे कोई, थैंक यू। नित दिन राज की तेरी मेरी कटके ना जान ले जवे हो, जान लेगी। नित दिन राज की तेरी अपना मिल गया ना, हाँ अभी आना जी, मैं डांस समझे ना, ठीक है। पर अभी तूने भी खाना है, पर ये मुझे जानता, मैंने आपको तूने भी खाना है, मैंने खा लियो पहले, तूने भी खाना है, पर मुझे मत दिखाओ यार, ये नहीं तने, हां मैं दिल करेगा खाने का, घर लेके जाना, चल ठीक है, भूल दे दो, नहीं मैं खाऊंगा, खाऊंगा। चलो जी गाइस फिलहाल स्टूडियो से निकल के, नया कर रही सीट साफ, बाइक बाहर ही थी आज इस करके, तो साफ ना रेस्क पे रख दे, तू बैठ जा इसके ऊपर समझ गई, पर मेरी कर दे माड़ी सी साफ ना, थोड़ी सी मेरी कर दे। आपकी रोड का नगर जाना है, तो क्या कर जाना, गली करके जाना, चल चल बारिश लग रही यार, नया को ड्रॉप कर दिया यार, फिलहाल मैं भी घर जाने लगा हूँ गाइस, बट बारिश लगी है भाई, हल्की हल्की बूंदे पड़ रही है, बैग तो देखो गीला हो गया, इसके ऊपर तो चलो कवर भी है, पीछे वाले के ऊपर कवर भी नहीं है, इसमें लैपटॉप भी है, बट चलो क्या कर सकते, जाना पड़ेगा घर पे, अभी तो चलो इतनी इतनी है कोई बात नहीं, बट आगे जाके ज़्यादा ना हो घर के पास ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये होगा कि घर भी पास चल जाता हूँ और बारिश भी ज़्यादा होगी, फिर मुश्किल हो जाती है। बारिश होगी तेज़ गाइस, मैंने बाइक रोक दी यहाँ पे, शर्ट सा बना हुआ ये, फिलहाल बैग बुक रखे हैं भाई यहाँ पे, मैं देखते हैं बारिश रुकती है ना फिर चलते हैं घर। चलो जी घर भी पहुँच गया और यहाँ भी बारिश हो रखी है अच्छी खासी, अभी मौसम भी क्लियर हो गया, शाम हो गया 6:30 हो रहे हैं, और फिलहाल बाहर जाने लगा हुआ मैं ग्राउंड में, और मौसम हो गया एकदम क्लियर, ऊपर तो हल्के हल्के से बादल, बट पहले जैसा नहीं रहा भाई, बारिश पूरी सब कुछ बंद, तो फिलहाल बाहर चलते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल कल की तैयारी हो रही है भाई मेरी, मैंने प्री वेडिंग में जाना, तो अभी शर्ट मेरी देखी मैंने, ये फटी हुई निकली भाई यहाँ से वहाँ से थोड़ी सी, तो फिलहाल मम्मी कर रहे हैं इसकी थोड़ी, आपको दिख रहा है सुई डल रही है आपसे बीच में, हैं फिर ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है इतनी देर से, तो फिलहाल ये इसके बाद प्रेस प्रूस करके इसको रख देंगे, क्योंकि सुबह मुझे निकलना पड़ेगा 6:30 बजे यहाँ से घर से, हाँ खुलेगी जैसे वैसे निकल जाएंगे, व्लॉग भी रात को एडिट करना पड़ेगा, और फिलहाल तो यहाँ से 6:30 निकलेंगे, फिर उसको क्लाइंट को लूँगा, फिर 7 बजे वो साहब साथ मिलेगी, उसके बाद 8 बजे दूसरे लड़के के पास पहुँचूँगा, फिर 8:30 बजे जाके पठानकोट पहुँचेंगे 9 बजे, ठीक है। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा सा काम ना, शूट क्योंकि है ही हमारा उसी हिसाब का प्रोजेक्ट पूरा का पूरा, कि थोड़ा सड़कों सड़कों वाला कंसेप्ट है, तो फिर वो रोड खाली होगा तो भी हो पाएगा ऐसे तो नहीं। सर जी पापा खाना लेके आ गए भाई, ऐसे नहीं चाहिए, मर्द बनाए खाना, औरतें करें आराम, है ना औरतें, आराम करें, लत पीड़ो जी ने तरह। आप भी लेके, आपने लेके आप, तो डिनर हो गया, टाइम 9:15 हो रहा है रात के,
और आजकल मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोन कम अवॉइड करूँ, सिर्फ 5 या 10 मिनट फ़ोन चलाता हूँ। पहले तो भाई चलता ही रहता था, 5-10 मिनट फ़ोन चला के मैं सोने की कोशिश करता हूँ कि पूरी नींद आ जाए भाई। तो फिलहाल सो भी जाता हूँ मैं, और अभी तो जल्दी सोना ही पड़ेगा क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है 6 बजे, और फिर नहा धो के डायरेक्ट निकलना है। व्लॉग मेरा एडिट हो गया, अपलोड भी अभी कर दूंगा और बस फिर मस्त। तो बाकी फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस ये है कि भाई दुआ बस बारिश ना हो, अभी तो कोई भी ऊपर तारे तुरे नहीं है, पूरे चांसेस है 70% बारिश आई हुई है। कल दोपहर को 70 बताई थी, अब चाहे सोना कर दियो। तो चलो हम तो भगवान से ये विश करेंगे कि भाई वो ना हो, क्या ना हो, कैंसिल ना हो। तो बाकी फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।